अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल अज़ीज़ डायरी पाकिस्तान सिंध के मशहूर शहर दादू से, जैसा कि आज मैं आपको मुर्शद सैयद जमाल शाह जती सती जो मरखपुर में जिनकी आरामगाह है, मैं उनकी रोज़े की आपको ज़ियारत करवाऊँगा। जी विवर्स सहने हज़रत जमाल शाह जती सती सरकार के सहन पे खड़े हैं। अभी हम हज़रत जमाल शाह जती सती के रोज़े पे खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुकून वाला माहौल हज़रत जमाल शाह जती सती का। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद वाज्जल फरज। जी विवर्स, आज हमने आपको मुर्शद जमाल शाह जत्ती सत्ती के रोज़े की ज़्यारत करवाई। विवर्स, जमाल शाह जत्ती सत्ती अल्लाह ताला के नेक परहेजगार बुज़ुर्ग हैं और इनके आयते में कब्रिस्तान है। अभी मैं आपको कब्रिस्तान की ज़ियारत करवाऊँगा। सुभान अल्लाह, कुल नफ्सन ज़ायकतुल मौत, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं। हर इंसान को एक न एक दिन मरना है और अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना है। जितना चाहें अस्तगफार करें, अल्लाह ताला के हुजूर नमाज़ पढ़ें, परहेजगारी करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। जितना भी बड़ा सियासतदान हो, सूरमा हो, जितना भी बड़ा परहेजगार हो, एक न एक दिन उसने मरना है और अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना है।
इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला के हुजूर माफ़ी मांग के अपने गुनाहों की। जी व्यूअर्स, इसी के साथ आज का ये व्लॉग हज़रत जमाल शाह जती सती के रोज़े का इख्तिताम पे पज़ीर है, और नेक्स्ट मिलेंगे किसी और व्लॉग के साथ किसी और अल्लाह ताला के नेक दरवेश बुज़ुर्ग के दरबार पे। इसी के साथ अब्दुल अज़ीज़ डायरी सिंध के मशहूर शहर दादू से आपसे अलविदा चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद जब्बा।